तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग हमें क्या कहता है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मान लीजिए हमारे पास एक हाउस है जिसको हम बोलेंगे हाउस वन, ठीक है, और हमारे पास एक और हाउस है जिसको हम बोलेंगे हाउस थ्री। मैं हाउस बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और हाउस वन का प्राइस है मान लीजिए 30 लाख, और हाउस थ्री का प्राइस है मान लीजिए 70 लाख, लेट्स से। और हमारे पास एक नया हाउस आया जिसको हम बोलते हैं हाउस टू। अब हमें ये बताना है कि इस प्राइस, इस हाउस का क्या प्राइस होगा, हमारा ये टास्क है। तो हम लोग उसको मशीन लर्निंग के थ्रू कैसे करेंगे, स्पेशली यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। हम लोग ने क्या किया कि हमने एक एक्सिस बनाई, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा प्राइस है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो हमारा हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये मान लीजिए आपका 25 लाख है, ये आपका 50 लाख है, ये आपका 70-80 लाख है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि कुछ हमारी हेल्प करने के लिए, इस हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए हमने कुछ पुराने डेटा उठा लीजिए, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से कर देता हूँ। हमने कुछ पुराने डेटा उठा लिए, ठीक है, और हमारे पास ऐसा कुछ डेटा बन के आया। सिंपल, हमारे पास कुछ पुराने डेटा थे, पुराने जगह के डेटा थे हमारे पास, तो हमने इसको यहाँ पर प्लॉट किया। अब हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन इसमें फिक्स कर दी, मानिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन इसकी बन के आई जो कि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है इस पूरे डेटा पॉइंट्स की, मतलब जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसका एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे फिट कर दी। अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें, तो हमारा हाउस वन 30 लाख का था, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पे आ रहा था 30 लाख, ठीक है, और हाउस थ्री हमारा 70 लाख का था, तो हमारा कुछ यहाँ पर आ रहा था, ये थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 70 लाख का था, यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 60 कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 80 कर देता हूँ, नॉट टू बी कन्फ्यूज, यहाँ पे हमारा 70 लाख का हाउस आया, ठीक है। अब हमारे पास हाउस थ्री की कीमत कितनी है, 70 लाख इस डेटा पॉइंट पे, और हमारे पास हाउस वन की कीमत है 30 लाख। तो हमने क्या किया कि ये जो हाउस टू है उसको हमने फिट करने की कोशिश करी। तो जब हमने इसको फिट किया तो उसका यहाँ पर कुछ कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये प्राइस है 50 और 60 के बीच में, तो मान लीजिए इसका आता है 55 लाख, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइस, इस हाउस का प्राइस 50 लाख है, 55 लाख, सॉरी 55 लाख है। तो इसी तरीके से इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन इन अ नटशेल। ये बहुत एकदम शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन है जिसमें हमने एक, हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हमारे पास प्रीवियस डेटा है, उसको हमने प्लॉट किया और उस पर हमने एक स्ट्रेट लाइन फिक्स कर दी, और उसके थ्रू हमने ये निकाल लिया कि इस हाउस का प्राइस क्या होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान दें इसमें, तो हमारा पूरा मेन काम है इस लाइन के ऊपर, ये लाइन हमारी मेन है, ठीक है, और हमारा रेस्ट ऑफ द लेक्चर, जितना भी बचा हुआ लेक्चर है, वो सारा का सारा इसी लाइन पे बेस्ड रहेगा। दैट मीन्स जो पूरा का पूरा खेल है वो इस लाइन को फिट करने में है। तो इस लाइन को फिट करने का तरीका हम देखेंगे आगे कुछ वीडियोस में, और इसी लाइन को फिट करने का ही पूरा खेल है मशीन लर्निंग में। सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।